कार्ड, बहुत ही सुंदर कार्ड है ये। दिस इज बेथ बर्थ। अगर आप इसकी नेचर से कनेक्टेड ब्यूटी देखेंगे कि सूरज चमक रहा है और ये बहुत ही पुराना एक व्यू लग रहा है। ग्रीनरी है यहाँ पे, एक है बर्च ट्रीज है। बर्च ट्रीज कौन से ट्रीज होते हैं, अब आप ये जानना चाहेंगे। आपने वो सुना होगा, हम लोग जो यंत्र वगैरह बनाते हैं तो वी टेक द पेपर फ्रॉम दैट बर्च ट्री। बर्च ट्री को बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है, राइट? भोजपत्र भोजपत्र बोलते हैं उन्हें, बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। और इस पे यंत्र बनते हैं और इसको आगे हम यूज करते हैं। मतलब आई हैव बीन यूजिंग सिंस लॉन्ग, तो मेरे तो रूम में ही काफी सारे यंत्र मैंने प्लेस किए। वॉइस इज क्रैकिंग वॉइस, जस्ट लेट मी चेक। मैम। ओके, अभी ठीक आ रही है? यस मैम, बीच बीच में ठीक आ रही है, बीच बीच में वो ब्रेक हो रही है, एंड भोजपत्र तक क्लियर था नरेशन उसके लैग बाद। कर जाता है मैडम बीच ओके, बीच में। देखिए भोजपत्र क्या है कि उसी पेड़ का, उसी पेड़ से बना हुआ वो पेपर फॉर्म है। बर्च ट्री से, बर्च ट्री को इतना ज्यादा कंसिडर किया जाता था कि आज हम किसी भी शुभ कार्य में भोजपत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए इस ट्री से रिलेटेड जो हम साइड देख रहे हैं, एक लेडी खड़ी हुई है, उनके हाथ में बास्केट है, बच्चे वहां जा रहे हैं, देन वी कैन सी एक छोटा सा डॉग है, वो भी काफी खुश दिख रहा है। तो अगर आप एनवायरनमेंट देखेंगे तो एनवायरनमेंट तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक आइडियल सीनरी है जहां पे खुशहाली है, राइट? तो वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब ये जो हम पूरा सीन देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एक नई शुरुआत है। जहां जहां सूर्योदय है, सूर्योदय क्या करता है, नई उम्मीद लेकर आता है, नई रोशनी लेकर आता है। तो इसका मतलब है कि पुरानी रात बीत गई, यानी कि पुरानी जो भी बात थी वो गुजर गई, अब एक नया दिन है, एक नई ऊर्जा है, एक नई उम्मीद है। तो इस चीज को हम हमेशा कंसिडर करते हैं, राइट? तो वही चीज इसमें सिंबलाइज की गई है। कि कुछ नया होने वाला है, कुछ नया से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये एक हेरिटेज साइट है, बर्च ट्रीज है। तो इसका मतलब कि कुछ पास्ट में हमने ऐसे कर्म किए हैं जिनका अब हमें फल मिलने वाला है, राइट? ये फल किस रूप में हो सकता है? ये फल परिवार की खुशहाली के रूप में हो सकता है, बच्चों के अच्छे रिजल्ट के रूप में हो सकता है, कुशलता के रूप में हो सकता है। तो वही चीजें दर्शा रहा है कि आपने पास्ट में जो मेहनत की है, क्योंकि बर्च ट्रीज को उगने में या इतना बड़ा होने में 1 साल नहीं लगता है, टेक्स ईयर्स। तो पास्ट के आपके एफर्ट्स, आपकी लेबर अब आपको फल देने वाली है। ये चीज इस पिक्चर में दर्शाई जा रही है। फिर ये कार्ड फर्टिलिटी को भी दर्शाता है, मदरहुड को भी दर्शाता है। तो अगर ये कार्ड आ रहा है एंड समबडी इज आस्किंग यू अबाउट कंसेप्शन ऑफ अ बेबी, तो आप उनको बोल सकते हैं कि काफी पॉजिटिव इंडिकेशन आया है, इसका मतलब बहुत जल्द खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को जन्म दें, बिकॉज नवजीवन का इंडिकेशन आता है इस कार्ड के साथ। तो नवजीवन जहां भी आएगा क्या होगा, या तो विचारों से कुछ नया बनेगा या फिर फिजिकली कुछ नया ऐड होगा। तो एक ऐसा टाइम है जो सेलिब्रेट करने का है, जिसमें आप अपनी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज को सेलिब्रेट करेंगे। अब अगर यही कार्ड रिवर्स आ जाए फिर क्या होगा? फिर होगा डिले।
अब हम चाइल्ड बर्थ की अगर बात करें तो उसमें डिले हो जाएगा, डिफिकल्टीज आ जाएंगी बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे दर्शाए गए हैं, मतलब मदर और बच्चों के रिलेशनशिप में डिफिकल्टीज आ जाएगी। हो सकता है बच्चे माँ से दूर जा रहे हो, चाहे वो पढ़ाई के कारण जा रहे हो। फिर कैसी फीलिंग आएगी कि किसी चीज का अभाव है, प्यार का अभाव, कनेक्टिविटी का अभाव। अब कई बार क्या होता है कि इसमें नए आइडियाज नहीं आते हैं, डिले हो जाता है, स्लो हो जाता है काम, कोई अपॉर्चुनिटी सामने नहीं आती है। तो रिवर्सल का मतलब ये नहीं है कि चीजें खत्म हो गई, सूर्योदय तो फिर भी दिखा रहा है। तो क्या होगा कि एक नई शुरुआत का समय है, थोड़ा चैलेंजेस है लेकिन कुछ नया शुरू करने का समय आ गया है। तो उसके लिए क्या करना है, यू नीड टू क्लोज योर आईज और फिर आपको विजुअलाइज करना है कि आप एक नई जीवन में स्टेप कर रहे हैं आगे, एक नई जगह आप स्टेप कर रहे हैं आगे, और फिर देखिए कि आपके आसपास की एनर्जीज कैसी हो। आपके स्किन पे पता चलता है, जैसे अभी हमने फील किया था, आपको महसूस होते हैं, विजन्स आते हैं, तो उन सब चीजों को देखिए कि ये एनर्जी आपके आसपास की कैसी है, तो इससे आप क्या क्रिएट कर पाए। सो दैट व्हाट दिस कार्ड सेज अबाउट।